तो ये वॉलंटियर है भाई, योग वॉलंटियर, जैसे आप पोस्टर पर भी देख रहे हो पीछे, 8 जुलाई से धरना लघु सचिवालय करनाल के सामने शुरू हो गया है। और इनको तो जब 16 में लगाया गया था और फिर इनको विभाग ने पहले स्पोर्ट विभाग में रखा, उसके बाद इनको वहां से हटाकर अभी तक क्लियर नहीं करा कि वो कहां ज्वाइनिंग करे। इनको वहां से लेटर मिला और इन्होंने आयुष विभाग में जाने के लिए वो लेटर दे दिया। आयुष विभाग ने अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं करवाई है भाई। तो टोटल 1000 जो योग वॉलंटियर भर्ती करे थे उनमें से भी 200 पहले, उसके बाद री ओपन करे, फिर 500 के आसपास जो योग वॉलंटियर हैं वो इसमें शामिल हुए, वो लगाए गए। उसके बाद अभी तक सरकार ने दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट करके दोबारा भर्ती निकाल दी भाई 1000 की, जो ये 500 के आसपास जो वॉलंटियर हैं इनको बाहर रखा है। और इनसे सीधी बात करते हैं भाई, चलिए चलते हैं। यहाँ पर भाई साहब ने बात बताई भाई, सारी डिटेल आपको खोल के बताई, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हरियाणा सरकार, नियुक्ति दो, और भाई से पूछते हैं आपके क्या विचार है भाई जी इस बारे में। मैं बलदीप सिंह, जो बुलंदशहर जिला अध्यक्ष करनाल, हमारा यही है जो पिछले आर्य साहब ने बताया कि जो बंद लगाए गए थे सरकार ने हटा दिए और ये कहकर हटा दिए कि आपको आयुष विभाग में समायोजित करेंगे। तो पहले तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें लगाए रखना है, उसके बाद चाहे हजारों में जितने भी लगाने हैं वो कितने भी लगाए सरकार, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई एतराज नहीं है। सबसे पहले जो पहले लग रहे हैं ना, इनको समायोजित करें और इनको समान बता दे, अच्छा इनका परिवार का गुजारा उसके, और हमें जो और लगाए सरकार, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारी मांग यही है कि जो पहले लगे हुए हैं ना उनको ना हटाए, उनको रेगुलर करे। उम्र भी मतलब 18 से 42 होनी चाहिए, 42 साल करे, उम्र भी 42 साल करे, क्योंकि ज्यादातर उम्र तो निकल उम्र चुकी तो तकरीबन सबकी जो पहले लगे हुए निकल चुकी है। और 42 करे, और पहले सबसे पहले 42 भी करे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन पहले उनको लगाए जो पहले लगे हुए मेन मतलब रोजगार मांग यही है कि जो पहले लगे हुए हैं पहले उन्हीं को लगाया जाए, उन्हीं को लगाए। तो ये लेटर दिखा रहे हैं भाई, हमारा लेटर है भाई समायोजित करने का, ये ज्ञापन है और जो एक सरकारी लेटर जो दिया गया ये खेल विभाग की तरफ से। ये नवम्बर जो पत्र मिला भाई इनको प्रधान सचिव हरियाणा सरकार खेल युवा मंत्रालय विभाग की ओर से ये लेटर मिला भाई इनको, और ये लिखा गया है आयुष विभाग सेक्टर 3 हेड ऑफिस को। तो इसमें रिगार्डिंग योग वॉलंटियर्स के बारे में ही सारी जो बातें लिखी हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट 1 में लगाए गए जो फिजिकल फिटनेस वॉलंटियर की सेवाएँ बंद कर दिया जाएगा। तो आप योगा वॉलंटियरों की सेवाएं अपने स्तर पर लेना का कष्ट करें, तो ये सारी बातें वही पत्र के माध्यम से जो खेल विभाग ने आयुष विभाग को लिखा, लेकिन आयुष विभाग ने अभी तक इनको ज्वाइन नहीं करवाया है। और इनकी मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार या आयुष विभाग इनको अपना ज्वाइनिंग दे, और इनका जो पूरे जो घर है वही बालक बच्चे हैं सबसे कम वेतन में काम करने लग रहे हैं, मात्र 8100 रुपये मिलते हैं भारत माता की, मिनिमम वेज इसी रेट भी कम से कम 10 बना जा रहे हैं। आवाज़ दो इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये 500 के आसपास जो सरकार ने भर्ती करे थे स्पोर्ट्स विभाग में, तो स्पोर्ट्स विभाग ने आयुष को लेटर लिखते हुए इन
जागो सरकार, इनको आयुष विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दिलवाई तो इनको रोड पर ला दिया, ना तो स्पोर्ट्स विभाग में रहे और ना ही आयुष में ज्वाइन हो पाए, तो घर का खर्चा भी भाई लॉकडाउन में पहले सब कुछ नाश हो लिया और उसके बाद ही सरकार ने बीच में किसे कान के नहीं छोड़े और ईब जमी कति खाण के लाले पड़ रहे हैं, तो सरकार भाई इनका भी ध्यान दे और इनको लगा के और जो जितने भी नए भर्ती करने हैं भाई सरकार कर ले, उसमें इन्हें कोई एतराज नहीं, चाहे 10,000 करे चाहे 5,000, जितने ज़्यादा करे उतने थोड़े हैं, तो योग के बिना इंटरनेशनल हमारा जो योग है वो पहुँच चुका है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो योग वॉलंटियर पहले लगाए हुए थे उनको लगाया जाए, तो यही हमारी भी रिक्वेस्ट है भाई, जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भाइयों तक वीडियो पहुँचाए और ज़्यादा तक पहुँचाए ताकि इन भाइयों का भी अपना ज्वाइनिंग हो सके और इनका भी भला हो सके, तो भाई आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।